हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा स्कूल। आप सभी लोगों का अड्डा स्कूल पर बहुत 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 स्वागत है। वन सेकेंड। हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा स्कूल। आप सभी लोगों का अड्डा स्कूल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो बेसिकली हम लोग आज क्या करने वाले हैं, वी गोना डू द वन शॉट रिविजन ऑफ अ चैप्टर विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो, जो कि क्लास 12 की है, राइट? तो इसका आज हम लोग एक टॉपिक कवर कर रहे हैं जिसका नाम है लॉ स्प्रिंग। सो आपको बता दी चलूं मैं, ये फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर है और इस चैप्टर को लिखा है अनिल जंग ने, राइट? और ये चैप्टर इतना ब्यूटीफुल है, इतना खूबसूरत है कि यहां पर आपको बताया गया है वो चीजें जो कि एक्चुअली में अनिल जंग की लाइव एक्सपीरियंस चीजें हैं। अब वो क्या है, आपको भी पता है कि जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत सारे लोग दिखते हैं, अलग अलग लोग दिखाई देते हैं, राइट? सो अनिस जंग में जब आप बाहर निकलती हैं तो उन्हें भी बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, जिसमें से वो सबसे ज्यादा जो नोटिस करती हैं वो नोटिस करती हैं कुछ छोटे छोटे बच्चों को जिनका कोई फ्यूचर ही नहीं है। देयर इज नथिंग फॉर देम फॉर फ्यूचर, राइट? सो यहां पर आपको एक कहानी सुनाई गई है जिसका नाम रखा गया है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट का मतलब क्या होता है, लॉस्ट का मतलब होता है खोना। आपको बताती चलूं मैं, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं, बहुत ध्यान से सुनना, राइट? चैप्टर का नाम लॉ स्प्रिंग क्यों रखा गया, दिस माइट बी द क्वेश्चन विच कैन आस्क इन योर एग्जामिनेशन, राइट? बहुत बहुत अजीब है, चैप्टर में बच्चों के बारे में बात करी गई है लेकिन चैप्टर का नाम रखा गया है लॉ स्प्रिंग। सो मे बी दिस क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जामिनेशन दैट व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज लॉ स्प्रिंग, इसका नाम लॉ स्प्रिंग क्यों रखा गया, राइट? तो लॉस्ट का मतलब होता है खोना और स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, स्प्रिंग इज अ सीजन। आपको पता है ना, मल्टीपल सीजन होते हैं, विंटर होता है, समर होता है, देन ऑटम होता है और उसके बाद होता है आपका कौन सा सीजन, स्प्रिंग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि स्प्रिंग सीजन में क्या होता है। स्प्रिंग सीजन में फूल खिलते हैं, है ना, हर जगह पे हरियाली छा जाती है, राइट? एवरीवेयर यू कैन सी द माहौल ऑफ ब्लॉसम, द एनवायरमेंट ऑफ ब्लॉसम, बहुत अच्छा लग रहा होता है सब कुछ। जब फूल खिलते हैं तो चिड़िया भी आती हैं, चहचहाती हैं, हलचल दिखाई देती है, राइट? हाय मृत्युंजय, हाउ आर यू? तो यहां पर आपको स्प्रिंग जो दिया गया है वर्ड, इसका मतलब है बसंत ऋतु से, राइट? और इस बसंत ऋतु को कंपेयर किया गया है बच्चों से और बच्चों के बचपने से, चाइल्डहुड से। सो जो खूबसूरती है इस चैप्टर की वो यही है कि इसका नाम बड़ा प्यारा है, राइट? इसका नाम बड़ा प्यारा है, उसका नाम रखा गया है लॉ स्प्रिंग, जहां पर स्प्रिंग को पर्सोनिफाई किया गया है, या बोल सकते हो एक मेटाफर क्रिएट किया गया है, दो अनलाइक चीजों को कंपेयर किया गया है। कैसे मेटाफर क्रिएट किया गया है, स्प्रिंग इज कंपेयर टू चाइल्डहुड जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, राइट? और ये स्प्रिंग चाइल्डहुड को क्यों बोला गया है, क्योंकि आपको यहां पर कुछ ऐसे बच्चों की कहानी सुनाई जाएगी जिनका बचपना कहीं खो गया है, जो वक्त से पहले बड़े हो गए हैं, जिनकी लाइफ में बचपने जैसी कोई चीज ही नहीं है। आप ये सोचो, जब हम बड़े होते हैं तब हम जाते हैं नौकरी करने के लिए, चाकरी करने के लिए जाते हैं ना, लेकिन अगर हमारा बचपना खो जाए, राइट, तो क्या होता है, हम बचपन से ही काम धंधे में लग जाते हैं, नौकरी करना शुरू कर देते हैं। नौकरी भी कैसी, सड़क पे खड़े होकर के जूते पॉलिश कर रहे हैं, मोमोज की शॉप पर खड़े हो जा रहे हैं, राइट? सो इससे हमें पता चलता है कि हमारा बचपना खो गया है। तो अनिस जंग जब बाहर निकलती हैं अपने घर के, तो वो बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करती हैं, और जब वो लोगों को देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि बहुत सारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ऐसे हैं जिनका बचपना कहीं खो गया है और शायद वो वापस कभी ना पाए। वो अपने वक्त से पहले मैच्योर हो गए हैं और उनकी किस तरह की कंडीशन है, कितनी बुरी दशा में और कितनी वियर्ड सिचुएशंस में वो रह रहे हैं। तो उसी चैप्टर में इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया अलग अलग तरह की कंडीशंस के बच्चों का। तो यहां पर आपको दो कहानियां सुनाई गई हैं। एक कहानी है एक लड़के की, एक बच्चे की, जिसका नाम है साहिब, पूरा नाम है साहिब आलम, और दूसरा बच्चा है यहां पर जिसका नाम है मुकेश, राइट? अब ये जो साहिब आलम है, ही इज अ रैक पिकर। रैक पिकर किसको बोलते हो आप, रैक पिकर बोलते हो कूड़ा बिनने वाले को। आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बोरा लेकर के चलते हैं और बैग उनके हाथ में होता है और उसमें वो बॉटलें भर रहे होते हैं, प्लास्टिक वेस्ट भरते हैं ना। तो ये साहिब वही है, अभी काम ही तो कर रहा है, ही इज परफॉर्मिंग अ ड्यूटी ना। ये कूड़ा भरता है और ले जाता है, गार्बेज में से कूड़ा भरता है, ले जाता है, ठीक है, और किसको दे देता है, एक डीलर को दे देता है जो उस कचरे के साथ डील करता है। फिर उसको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते होंगे या उसकी फैमिली को थोड़े बहुत पैसे मिल जाते होंगे,
राइट। तो ये एक रैक पिकर है कूड़ा बिनने वाला, उसकी सिचुएशन, इसकी दुर्दशा बहुत खराब है। वहीं अगर हम बात करें मुकेश की, तो मुकेश एक बैंगल मेकर की फैमिली से बिलोंग करता है, वो फिरोजाबाद का रहने वाला है। फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने का धंधा बहुत फेमस है, तो मुकेश भी अपने बाकी परिवार वालों की तरह चूड़ियां बनाता है। लेकिन मुकेश बहुत ड्रीमी है, वो सपने देखता है, और उसे क्या सपना देखने का मन करता है या वो क्या सपना देखता है, उसे मोटर मैकेनिक बनना है, वो गाड़ी चलाना चाहता है, उसके आंखों में एक सपना है। लेकिन अनीस जिंग यहां पर बताती है कि ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनका बचपना कहीं खो गया है, वो बच्चे क्या अपनी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा ड्रीम कर पाएंगे या फिर वो उस ड्रीम को कभी अचीव कर पाएंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर के थ्रू उन्होंने हमें यही समझाने की कोशिश करी है कि किस तरह की सिचुएशन में, सर्कमस्टेंसेस में ये लोग रहते हैं और इनका फ्यूचर कितना ब्राइट होता है। तो आप इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़िए एक वन शॉट रिवीजन में, और आप मुझे बताइए क्या आपको कहीं ये फील हुआ कि यार दिस इज ट्रू, कि इनका बचपना कहीं खो गया है, या फिर कहीं आपको ऐसी फीलिंग आई कि इन लोग जिंदगी में आगे कुछ बढ़ सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, राइट। तो हम स्टार्ट करेंगे यहां से। पहली कहानी शुरू होती है साहिब आलम से। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, राइट, इसका स्टेटमेंट है ये। Now here the story starts with the first part, जिसमें एक रैक पिकर, एक छोटे से बच्चे की कहानी सुनाई गई है, जिसका मैंने आप लोगों को नाम बताया। छोटा शॉर्ट नेम है साहिब और बड़ा नाम है साहिब आलम, जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, और छोटे से बच्चे को इसके नाम का मतलब ही नहीं पता। So story हमसे क्या कह रही है वो हम देख लेते हैं। The first part tells us the author's impression regarding the life of poor rag pickers. तो जो पहली कहानी है उसमें हमें किन लोगों के बारे में बताया गया है, रैक पिकर्स के बारे में। And who are rag pickers? कूड़ा बिनने वाले, कूड़ा बिनने वाले। Rag का मतलब कूड़ा कचरा, pickers का मतलब उठाना, उठाने वाले, right? The rag pickers have come from Dhaka. अब यहां पर हमें अनीस जंग बताती हैं कि आखिर ये बच्चे आए कहां से हैं। ये लोग ढाका से आए, एंड ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। और बहुत मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान जब अलग हो रहा था ना, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट इन्हीं को ही पड़ा था, बांग्लादेशियों को, बांग्लादेश। और जितने बांग्लादेशी थे ना ज्यादातर, ठीक है, वो कहां करके बस गए थे, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, ठीक। तो अभी एक और चीज याद रखना, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और करेंसी है टाका। तो ढाका टाका, ढाका टाका, ढाका टाका याद रखना, दैट इज द करेंसी एंड द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। तो आपसे अगर पूछा जाए कि साहेब ये जो रैक पिकर है, छोटा सा बच्चा, ये कहां से आया है, तो आप बताओगे ये ढाका से आया है। अच्छा, ढाका से आया है, मतलब किस जगह से आया है, बांग्लादेश से आया है, राइट। फर्दरमोर वो हमें आगे बताती हैं, द सेटलमेंट ऑफ द रैक पिकर्स इज इन द एरिया ऑफ सीमापुरी। फिर वो कहती हैं अच्छा, ये ढाका से आ तो गया, लेकिन ये ढाका से आकर के कहां बसा है। अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जो लोग, जो बांग्लादेशी यहां पर आकर के बसे थे हिंदुस्तान पाकिस्तान डिवीजन के बाद, वो आउटस्कर्ट्स में बसे हैं दिल्ली के, और दिल्ली का आउटस्कर्ट ही है कौन, सीमापुरी। सीमापुरी इज अ प्लेस जहां पर आपको ज्यादातर रैक पिकर्स दिखेंगे, झुग्गी झोपड़ी वाले जितने भी लोग आपको दिखते हैं वो सारे कूड़ा बिनने वाले रैक पिकर्स ही हैं, और यहां करके सीमापुरी में बस गए। अब इन्होंने छोटे मोटे धंधे भी करना शुरू कर दिए हैं, जैसे सब्जियां लगा लेते हैं, सब्जियों के ठेले लगा लेते हैं ये लोग, ठीक है, मसालों के ठेले लगा लेते हैं, या फिर घरों घरों में काम करने चले जाते हैं, इस तरीके से दे आर डूइंग थिंग्स। Destruction has come in their fields and homes due to the storm. So might be your examiner can ask the question कि क्या reason रहा ढाका से सीमापुरी आने का, किसका, साहेब का और साहेब की फैमिली का, तो क्या रीजन हो सकता है, व्हाट वाज द रीजन। एक्चुअली एक भारी तबाही आई, आंधी तूफान आया, वहां पर पक्के मकान तो होते नहीं है, कच्चे मकान होते हैं, और कच्चे मकान की होने की वजह से कच्चा मकान उड़ गया, बह गया, डिस्ट्रॉय हो गया, राइट। दूसरी चीज क्या हुई, उनकी फसलें भी बर्बाद हो गई, और यही वजह थी कि साहिब आलम की पूरी फैमिली को आकर के कहां बसना पड़ गया, सीमापुरी में, दिल्ली के आउटस्कर्ट में, ठीक। सो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एक्चुअल थिंग दैट व्हाई साहिब आलम केम टू सीमापुरी, और व्हाई साहिब आलम फैमिली केम टू स्टे इन सीमापुरी, सो यू विल से डिस्ट्रक्शन इज द ओनली रीजन जो उसके फील्ड्स, खेतों में आया और उसके घर को तबाह करके चला गया, ठीक है। और ये डिस्ट्रक्शन किस वजह से था, स्टॉर्म्स,
आंधियों की वजह से, बहुत आंधी आती थी, प्लेन्स है ना वो, इस वजह से बहुत आंधी आती है, मैदान है, बहुत आंधी आती है. ठीक, आई होप दिस मच पैराग्राफ इज पैल्पेबल टू एवरीबॉडी, क्लियर. अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखें. अब क्या हो रहा है, आगे क्या बता रही है हमको अनीस जंग. दे हैड कम टू द बिग सिटी इन द होप ऑफ फाइंडिंग लिविंग देयर. अब भाई आप एक बात बताएं, इंसान जब दुनिया में आता है तो उसका मेन पर्पस क्या होता है? वो हैंड टू माउथ की जिंदगी बिताना चाहता है. फिर हम लोग दुनिया भर के लोगों को देखते हैं तो हमें लगता है हम अपना स्टेटस इंप्रूव कर लें, राइट? वो तो बात का बात होता है, बात का पार्ट होता है. लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान जो अपना हाथ से खाना नहीं खा पा रहा है या उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो खाना खा सके, तो पहले वो अपना सर्वाइवल ही तो देखेगा. एवरीबॉडी वॉन्ट सर्वाइवल, दुनिया में आए हैं तो जीना तो पड़ेगा ही, राइट? सो यहां पर अनीस जंग बता रही हैं कि भाई क्यों आए ये लोग. ढाका से सीमापुरी आने की दो वजहें बताइए. तो ढाका से सीमापुरी आने की दो वजहें कौन कौन सी हैं? पहली, डिस्ट्रक्शन जो कि उनके फील्ड्स और उनके घरों में हुआ आंधी तूफान की वजह से. दूसरा, फॉर सर्वाइवल, इनको अपनी जिंदगी जीनी थी, काटनी थी भाई, जिंदगी जीना था, जीना था, इस वजह से ये आ गए. नाउ हाउएवर द रियलिटी वॉज इन फैक्ट पेनफुल फॉर देम एंड दे हैड टू फेस मेनी हार्डशिप. अब इनको लगा था इतनी बड़ी सिटी में आ रहे हैं तो खाने का पीने का रहने का कोई टेंशन नहीं होगा, बट ये तो इन लोगों को पता नहीं था. इनको तो पता नहीं था ना कि जिंदगी में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, जितना बड़ा शहर उतना बड़ा स्ट्रगल. तो जब ये दिल्ली में आए तो उन्होंने बहुत हार्डशिप झेली, बहुत परेशानियां झेली, और उसी हार्डशिप का नतीजा है ये रैक पिकिंग, कूड़ा बिनना, सड़क पे टहलना और वहां से कूड़े को उठाना, राइट? सो दिस रियलिटी वॉज नॉट ऑल मेकिंग देम सो हैप्पी, दिस रियलिटी वॉज टू मच पेनफुल एंड उनको बहुत सारी परेशानियां, हार्डशिप्स मतलब बहुत सारी सफरिंग्स झेलनी पड़ी, प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी. They are certainly poor and lack various resources. Of course, अगर आप इनके बारे में बात करें तो ये लोग बेचारे बहुत गरीब हैं. तो आपसे अगर पूछा जाए सीमापुरी दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में रहने वाले जो लोग हैं, जो रैक पिकर्स हैं, वो कैसे हैं, उनका स्टेटस कैसा है, तो आप बताएंगे मैम वो पुअर हैं, गरीब हैं. और क्या है वो, उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, दे लैक रिसोर्सेज. खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है अच्छा, रहने के लिए घर नहीं है, सर छुपाने के लिए कोई आश्रय नहीं है. सो दे आर रियली वेरी पुअर, दे आर लिविंग इन डेस्टिट्यूट. गरीबी को और क्या बोल सकते हो, डेस्टिट्यूट. दे हैव लैक ऑफ रिसोर्सेस, राइट? सो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय द पीपल हु आर लिविंग इन सीमापुरी, या फिर मैं आपसे इस तरीके से पूछूं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल हु आर रैक पिकर्स एंड दे आर लिविंग द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, तो आप बताओगे दे आर लिविंग इन हार्ड, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्डशिप, दे आर लैकिंग रिसोर्सेज एंड दे आर रियली वेरी पुअर, दे आर लिविंग इन डेस्टिट्यूट. क्लियर, समझ में आ गया? इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे. अब आगे देखिए, अब यानी इस जंग ही हमें बता रही है क्योंकि उन्होंने क्लोजली वॉच किया इन लोगों को. हाय पंकज, हाय विजय, हाय डियर एवरीबॉडी. Okay, now let's move ahead. The writer watches Sahib every morning as he scrounges. Scrounges का मतलब क्या होता है? ऐसे 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 करके आप जब कुछ ढूंढते हो, कभी अपनी कबर्ड, अपनी क्लोजेट को खोलना. अगर आप एक अच्छे मैनेजर नहीं हो और एक अच्छे ऑर्गेनाइजर नहीं हो तो आपके कबर्ड में हमेशा कपड़े ठुसे हुए पड़े होंगे, जैसे आपने खूब सारी स्टफिंग कर दी है, और जैसे ही आप कबर्ड का दरवाजा खोलोगे सारा कपड़ा आपके मुंह पर आकर गिरेगा, राइट? सो जैसे कपड़े के ढेर में से आप अपना अच्छा वाला कपड़ा ढूंढते हो जो आपको पहनना होता है, वैसे ही साहिबे आलम क्या करता है, कूड़े के ढेर में से जो पाइल इकट्ठा हुआ है गार्बेज का, उसमें से वो क्या ढूंढता है, अपने काम की चीज. और उसके काम की चीज क्या हो सकती है, पैसा, राइट? सो जो राइटर है वो क्या कहती है, उन्हें कैसे पता चला रैक पिकर्स के बारे में, क्योंकि जब भी वो सुबह अपने घर से निकलती थी वो तो वो सुबह सुबह किसको देखती थी, एक रैक पिकर को देखती थी जो कि हमेशा स्क्राउंज करते रहता था. ठीक है, किस चीज के लिए स्क्राउंज करता था, फॉर गोल्ड. अब ये गोल्ड क्या है, व्हाट इज गोल्ड फॉर साहिब, दैट 1 रुपी और 10 रुपी कॉइन. 1 रुपी, 1 रुपी कॉइन वुड बी बेटर, 1 or 2 रुपी कॉइन यू कैन से. और कहां ढूंढता था, उनके पड़ोस में. द मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर दीज रैग पिकर्स इज द गार्बेज.
अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करना, इनकी जिंदगी ही कूड़ा बिनना है, ये अपनी जिंदगी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर ये कूड़ा ना बिने तो। सो बिना कूड़ा बिने ये अपनी जिंदगी का सर्वाइवल ढूंढ नहीं सकते। सो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर दीज पर्टिकुलर रैक पिकर्स, तो आप बोलेंगे कि मैम ओनली द मीन ऑफ सर्वाइवल फॉर देम इज टू डू रैक पिकिंग, राइट, और टू सर्च फॉर द गोल्ड इन द गार्बेज। फर्दरमोर फॉर द चिल्ड्रन इट इज अ वंडरस थिंग, द चिल्ड्रन आर एबल टू फाइंड अ कॉइन और टू फ्रॉम इट। These people have ambitions and desires. The problem is that they do not know the way to make them possible. अब देखें यहाँ पे अनीस जंग आपको दो चीजें बता रही हैं। अनीस जंग ने कहा कि ये जो कूड़ा है ना, कूड़ा गार्बेज, इसके दो अलग अलग मतलब हैं, दो अलग अलग लोग और दो अलग अलग मतलब। एक है बच्चे चाइल्डहुड या बच्चा चाइल्ड, और दूसरा है बड़े पेरेंट एल्डर। तो बड़ों के लिए दिस इज मींस ऑफ सर्वाइवल, जो बड़े लोग हैं उनके लिए जिंदगी जीने का सहारा है क्योंकि इसी को बेच बेच करके वो लोग पैसा कमाते हैं। और बच्चों के लिए क्या है, इट इज फुल ऑफ वॉन्डर, इनके लिए यहां पर नई नई चीजें हैं, नई नई चीजें हैं जो इनको यहां से मिलती हैं, ठीक है। तो इनके लिए बड़ी अमेजिंग होती है ये, इनके लिए एक गेम टाइप का होता है ये, उस कूड़े के ढेर में से अपने लिए एक गोल्ड निकालना, वो गोल्ड क्या है, एक रुपए या दो रुपए का सिक्का, ठीक है। सो बच्चों के लिए दिस इज अ वॉन्डर एंड फॉर पेरेंट्स दिस इज नथिंग एल्स बट मीन्स ऑफ सर्वाइवल, गॉट इट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है एंड इट विल डेफिनेटली कम। आगे बढ़ते हैं। नाउ यहां पे क्या मतलब है गोल्ड कॉइन का, तो आप या गोल्ड का क्या मतलब है, तो आप बोलेंगे अ कॉइन और टू फ्रॉम इट, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द गार्बेज। दीज पीपल हैव एम्बिशंस, ऐसा नहीं है कि इन लोगों के मन में सपने नहीं हैं, ये लोग जिंदगी जीना नहीं चाहते, कुछ बेहतर करना नहीं चाहते, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना नहीं चाहते। दिस इज नॉट द रियलिटी, दे हैव एम्बिशंस, दे वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बट दे आर अनेबल टू, वो नहीं कर सकते। इनके पास भी एम्बिशंस हैं, डिजायर्स हैं, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, उन्हें पता ही नहीं है कि वो कैसे पॉसिबल होंगी। भाई सपने कौन नहीं देखता, Everybody look for the dreams. Everybody have dreams. आपको सपने आते कि नहीं आते कि मैं इतने बड़े महल में रह रहा हूँ, मैं इतना अच्छा अच्छा खाना खा रहा हूँ। We have dreams. Everybody has dream. मुझे ये exam clear करना है, we have dreams. But we are unable to fulfill क्योंकि हमें कोई guide करने वाला नहीं होता। हमें 12th में top करना है, लेकिन 12th में top कैसे करें, इसके लिए मेरे पास कोई guide करने वाला नहीं है। तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, teachers के लिए। But for them there is no one. इनके लिए कोई भी नहीं है। आगे बढ़ते नेक्स्ट देखें। नाउ दे आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स दैट दे आर अनेबल टू रीच, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्वाइट का मतलब होता है ऑलमोस्ट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें ये जहां तक पहुंच ही नहीं पाते, है ना। ये रेस्टो में बैठ के खाना नहीं खाते, राइट, ये पिक्चर हॉल में बैठ करके सिनेमा नहीं देखते, ये मॉल में जाकर के कपड़े नहीं खरीदते, इनके लिए ये आउट ऑफ देयर रीच है। लेटर साहेब जॉइंस अ टी स्टॉल, लेकिन बाद में स्टोरी में बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि जिंदगी में इंसान के इंप्रूवमेंट नहीं आता, बस कुछ लोगों की जिंदगी में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आता है, लेकिन कुछ लोग बहुत ही ग्रेजुअली बढ़ रहे होते हैं, ऐसे 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 बढ़ रहे होते हैं। तो साहिब की जिंदगी में भी बदलाव आया, अभी वो क्या था, रैक पिकर था, लेकिन अब रैक पिकर से वो क्या बन गया है, छोटू, एक टी स्टॉल पे काम करने वाला बंदा। तो नाउ ही वर्क्स ऑन अ टी स्टॉल, लेकिन क्या वो खुश है टी स्टॉल पे काम करके। तो अनीस जंग कंपेयर करी है उसकी दोनों लाइफ को, कि वो रैक पिकर बन के खुश था या वो टी स्टॉल पे काम करके खुश था, उसको जॉब मिल करके वो खुश था। तो यहां पे बोला जा रहा है वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर हिम टू अर्न 800 रुपीज। जब साहिब आलम टी स्टॉल पे काम करता है तो उसको महीने के 800 रुपए मिल जाते हैं और साथ में उसे खाना भी मिल जाता है खाने के लिए, लेकिन क्या वो खुश है, इज ही हैप्पी गेटिंग ऑल द मील्स, गेटिंग 800 रुपीज अ मंथ, इज ही हैप्पी, क्या वो खुश है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है, कितना भरोसा है आपको, क्या पॉसिबिलिटी है कि साहिब आलम खुश होगा, yes or no, comment section mein bataiye. However, this job has deprived him of his freedom. ab isse kya samajh mein aata hai ki ye job iske freedom ko isse chheen rahi hai, aur jo cheez hamari azadi ko chheen le hame wo cheez pasand nahi aati. so kya sahib alam khush hai, no.
साहिब आलम इज नॉट ऑल हैप्पी. व्हाई साहिब आलम इज नॉट ऑल हैप्पी? क्योंकि उसके पास खुशी का कोई जरिया नहीं है. ही हैज नथिंग नथिंग लाइक जिससे उसको खुशी मिले. उसको ये बर्डन लगता है, बंदिश लगती है. क्यों? क्योंकि उसका एक मास्टर है, वो उससे टोकता है. अगर उससे कोई बर्तन टूट जाता है तो उसे डांटता है. अगर वो किसी को चाय नहीं पहुंचाता तो भी उसको डांट पड़ती है. और अगर वो सही समय पर सही काम नहीं करता तो हो सकता है उसके पैसे भी कटें. तो अब वो खुद का मास्टर नहीं रहा जैसे वो पहले रहा करता था. जब वो रैक पिकर था, वो कूड़ा बिनता था, अपनी मर्जी से जो उठाना होता था उठाता था, जो पाना होता था पाता था, उसका इवन बैग भी हल्का था. लेकिन अब जो वो कंटेनर लेके घूमता है, वो कंटेनर महंगा है. वो खुश भी नहीं है क्योंकि वो अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता, उसे मालिक की सुननी पड़ती है. As such, their condition is pretty hopeless and full of misery. अब उसे समझ ही नहीं आता कि वो करे तो क्या करे. अब वो होपलेस हो गया है, ना उम्मीद, और उसकी जिंदगी मिजरी से भरी हुई है. क्यों? क्योंकि अब उसको डांट मार या कभी कभी उसके पैसे भी लोग ले लेते हैं. वो लोग कौन है? वो लोग हैं एक्चुअली में टी स्टॉल में काम करने वाले. राइट? सो आई होप दिस मच इज पर्स्पिकुअस टू एवरीवन. अब आप पूछोगे मैम पर्स्पिकुअस का क्या मतलब होता है, तो आई विल टेल यू. पर्स्पिकुअस का मतलब होता है क्लियर. अंडरस्टूड, समझ में आ गया तो पर्स्पिकुअस बोलोगे. क्लियर है तो भी आप पर्स्पिकुअस बोलोगे. दिस इज द बेस्ट वर्ड. लर्न न्यू वोकैबुलरी, इट वुड हेल्प यू. हाँ, ही इज नॉट एट ऑल हैप्पी. So you got it now from this much? Sorry, to this much you have got it, right? अब एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि साहिब आलम का मतलब क्या है. तो आपको याद रखना है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. अच्छा, अनीस जंग इस बात को जानने के बाद इतनी ज्यादा हैरान क्यों है कि उसका नाम साहिब आलम है? क्योंकि अनीस जंग को ऐसा लगता है कि शायद इस बच्चे को इस नाम का मतलब नहीं पता. एंड वंस ही गेट टू नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम, वो कभी भी ये छोटे मोटे काम नहीं करेगा. यूनिवर्स का लॉर्ड जिसकी पूरे ब्रह्मांड पे चलती हो, वो क्या छोटे मोटे काम करेगा? उसको तो शर्म आएगी, एम्बैरेसमेंट होगा कि आखिर कैसे वो ये काम करे. राइट? तो साहिबी आलम नाम सुनकर के अनीस जंग बहुत ही हैरान है कि ये बच्चा कैसे झेल पाएगा जब इसे ये पता चलेगा कि इसके नाम का मतलब क्या है. सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन. नाउ ये था स्टोरी का फर्स्ट पार्ट जिसमें अनीस जंग ने रैक पिकर की कहानी सुनाई और उन्होंने उसकी दो सिचुएशन को कंपेयर किया जिसमें पहले भी वो गरीबी में जी रहा था और दोबारा भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई थी बट वो गरीबी में जी रहा था. और बोलते हैं ना कि जब आप जिंदगी में कुछ पाते हो तो आपको कुछ खोना पड़ता है. तो यहाँ पर जो साहिब आलम है उसने अपनी जिंदगी में पाया तो अचीवमेंट, उसको महीने के 800 रुपए तो मिल जाते हैं, पेट भरने के लिए खाना तो मिल जाता है, लेकिन उसने अपनी आजादी को खो दिया है ना. तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट कॉस्ट वाज पेड बाय साहिब आलम राइट टू गेट दी जॉब इन टी स्टॉल, तो उसने क्या कॉस्ट पे करी है? उसने अपना फ्रीडम सैक्रिफाइस कर दिया एंड ही इज नॉट हैप्पी. नहीं, खुश नहीं है वो. आगे देखो सेकंड पार्ट एक्सप्लोर. अब सेकंड पार्ट में आ रहे हैं जहां पे हमें मुकेश की कहानी सुनाई जाएगी. मुकेश जो कि एक बैंगल मेकर का बच्चा है, वो भी बैंगल मेकिंग करता है और उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं और वो सपने भी देखता है, मोटर मैकेनिक बनने का सपना. तो सेकंड जिंदगी में मुकेश के बारे में बताया जा रहा है जो एक लड़का ही है और वो बैंगल मेकर्स की फैमिली से बिलोंग करता है. अच्छा, ये सारे आपको बता दूं, जैसे आपने सुना होगा ना काकादेव इज द हब फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट एंड जेई एग्जामिनेशन, कोटा जाते हैं लोग पढ़ने के लिए, वैसे ही फिरोजाबाद जो जगह है आपकी, दिस इज अ प्लेस जहां पर बैंगल मेकिंग का हब है. हर कोने में, हर घर में आप चूड़ी के स्टॉल देख सकते हो. वहां के लोग सिर्फ और सिर्फ चूड़ी बनाने और बेचने पर डिपेंडेंट रहते हैं. सो अगर आपको सबसे ज्यादा इंडिया के किसी कोने में चूड़ियां मिल सकती हैं तो वो फिरोजाबाद में मिल सकती है. So this is a hub of bangle making. Okay? Done? आगे बढ़ो. फिरोजाबाद is famous for its amazing glass blowing industry. यहाँ पर बहुत सारी industries हैं, बहुत सारी factories हैं जिसमें glass blow किया जाता है. Glass blow का मतलब क्या है? कांच जला करके चूड़ी बनाई जाती है. ठीक? So फिरोजाबाद किस लिए जाना जाता है? It is known for the glass blowing industries. This is a hub of bangle making. There is an engagement of nearly 20,000 children in this particular business. अब ये crime है. This is a crime. छोटे छोटे बच्चे अगर भट्टी के पास बैठ करके कांच को जलाएंगे और वो कांच उनकी आंख में चला गया तो वो अंधे भी हो सकते हैं. Right? उनकी आग भी लग सकती है. But
यहाँ पर अगर आप फिरोजाबाद में देखोगे तो ज्यादातर बच्चे आपको बैंगल मेकिंग करते हुए दिखाई देंगे, और लगभग लगभग 20,000 बच्चे के आसपास बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व हैं, जो कि एक क्राइम है। दिस इज इलीगल, बच्चों से बोलते हैं ना बाल लेबर, जो चाइल्ड लेबर होता है, दिस इज अ क्राइम इन इंडिया, राइट? तो ये इलीगल है, बच्चों से काम करवाना गलत है, बट स्टिल इन इंडिया इट इज हैपनिंग, राइट? और कहां हो रहा है? फिरोजाबाद में। कितने बच्चे काम कर रहे हैं? 20,000 बच्चे क्या कर रहे हैं? चूड़ियां बना रहे हैं, राइट? आगे देखें। अब अनीस जंग को पता चल रहा है ना, सोचो ने कितना धक्का लग रहा होगा, एक छोटा सा बच्चा चूड़ियां बना रहा है भट्टियों में जाकर के, आग के सामने बैठ रहा है, क्या होगा उसका, क्या होगा उसके फ्यूचर का? हर एक फिरोजाबाद में जो भी बैंगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करता है, वो बच्चा अंधा होने वाला है आने वाले टाइम पर। क्या ये हर्ट नहीं कर रहा अनीस जंग को, जो कि एक राइटर है और जो कि फील कर पा रही है इंसानों की प्रॉब्लम्स? आइए देखते हैं। फर्दरमोर नो वन ओवर देयर अंडरस्टैंड्स और रिस्पेक्ट द लॉ दैट फॉरबिड्स चाइल्ड लेबर। लेकिन उनको उससे ज्यादा हैरानी इस बात पे हो रही है कि किसी को पता ही नहीं है कि सरकार ने क्या नियम और कानून बनाए हुए हैं। चाइल्ड लेबर गुनाह है, इलीगल है, बैड है, क्राइम है, और कोई लॉ की, नियम की, कानून की रिस्पेक्ट ही नहीं करता। शी इज अमेज्ड ऑन दिस, हाउ इज इट पॉसिबल दैट पीपल आर नॉट फॉलोइंग द रूल, दे आर नॉट कंप्लाइंग द रूल। कंप्लाई का मतलब भी फॉलो करना होता है, राइट? Moreover, the living condition as well as the working environment are both horrendous. या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं hazardous. Hazardous का मतलब है बहुत खतरनाक, जानलेवा। ये बच्चों की आंखों पे इफेक्ट करता है, बच्चों की जिंदगियों पे इफेक्ट करता है। आप बताओ, क्या लोग कभी एक ऐसे इंसान को अपनी बेटी देना चाहेंगे जो देख नहीं सकता? क्या फ्यूचर है उसका जो दुनिया नहीं देख सकता, राइट? अगर इंसान बाय बर्थ अंधा होता है तो भगवान जी उसको सेंसेस दे देते हैं, ऊपर वाले उसको सेंसेस दे देते हैं, अल्लाह मियां उसको सेंसेस दे देते हैं, लेकिन जो बड़े होते होते अंधा हुआ उसको भगवान जी सेंसेस नहीं देते, उसको डेवलप करना पड़ता है। कितनी प्रॉब्लमेटिक लाइफ होगी उसकी, सोचो कि वो देखती भी दुनिया को देख नहीं पाएगा कभी। तो ये बच्चों की लाइफ को खतरा होता है, इनकी आईज को खतरा होता है, और ये बड़े होते होते क्या हो जाते हैं? दे गॉट ब्लाइंड। कितनी जानलेवा एक्टिविटी में ये लोग इन्वॉल्व हैं, सोचो आप, जो ग्लास का बुरादा होता है वो कितना खराब होता है। आगे देखो, दीज चिल्ड्रन लिव इन ड्रोरी सेल्स। ड्रोरी मतलब एकदम ऐसे, एकदम पैक्ड सेल्स हैं, छोटे छोटे से, छोटे छोटे से, एकदम क्या बोल सकते हो उसको, कैदखाने टाइप के हैं, उसमें ये काम करते हैं। Dangerous. Also, they work close to hot furnaces. और इनको कहाँ काम करना पड़ता है? भट्टियों में, गरम गरम भट्टियों में। तो छोटी छोटी compact cells में ये लोग गरम गरम भट्टियों में काम करते हैं। This is certainly very dangerous as it makes these children blind when they enter adulthood. बोल रही है, अब ये जो है ना, ये जानलेवा है। जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो यही इनकी जिंदगी पर हावी होती है, ये अंधे हो जाते हैं, इनकी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं होता, और बड़े होते होते ये अपना फ्यूचर खो देते हैं। So what is actually dangerous for all these students जो कि बैंगल मेकिंग में काम कर रहे हैं? आप बताएंगे कि ये जो ड्रोरी सेल्स हैं, ये जो कॉम्पैक्ट सेल्स हैं जहां पर ये काम करते हैं, वो इनके लिए डेंजरस है, ठीक है? जो बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है, बिल्कुल बोरिंग है। तो ड्रोरी का एक मतलब आप ये भी लिख सकते हो, समथिंग विच इज नॉट अट्रैक्टिव, विच इज बोरिंग, बकवास एकदम, और विच इज टू कॉम्पैक्ट, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसमें ये काम कर रहे हैं, और यही इनके बचपने को बर्बाद कर रहा है, और अडल्टहुड आते आते इनको पूरी लाइफ खराब हो जाती है। फर्दरमोर दीज चिल्ड्रन हैव टू डील विद द प्रेशर ऑफ द डेट। सबसे बड़ी चीज, इनके एंसेस्टर्स ने, इनके पूर्वजों ने बहुत सारे कर्जे लेकर के रखे हुए हैं, बाबा पर बाबा परदादा ने खूब सारा पैसा लेकर के रखा हुआ है कि भाई चूड़ी बनानी है, चूड़ी बनानी है, चूड़ी बनानी है। लेकिन जो चालाक लोग हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, इतना इंटरेस्ट डाल दिया, इतना इंटरेस्ट डाल दिया, इतना इंटरेस्ट डाल दिया कि इनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, ऑफस्प्रिंग्स की ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग की ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग्स मतलब जो इनके सक्सेसर्स हैं, उनको ये चीजें करनी पड़नी है। अब बाप दादा का कर्जा ये लोग अभी भी चुका रहे, तो ये लोग किसमें है? डेट में। डेप्ट मत पढ़ना, DEBT, डेप्ट नहीं होता, डेट होता है। तो अभी भी आज तक ये लोग किसमें है? कर्जे में है। Moreover, they are unable to think of a solution to solve this problem. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ये इस कर्जे में इस तरह से उलझे हुए हैं कि ये इससे बाहर ही नहीं निकल पाते।
इसके सॉल्यूशन के बारे में सोच ही नहीं पाते कि आखिर ये इन कर्जों से बाहर कैसे निकलें, कैसे सोचेंगे जब इनके दिमाग में ही वही भरा गया है कि तुम्हें अपने बाप दादाओं का कर्जा चुकाना है। There is no way for these children to come out of this trap. अब ये एक vicious trap है ना, ये दरिद्रों का एक जाल है जिसमें इन लोगों को फंसा दिया गया है। और वो दरिद्र कौन है? वो पुलिस वाले भी हो सकते हैं जो रिश्वतखोरी करते हैं, वो बिचौलिए भी हो सकते हैं जो खेल रहे हैं इनके साथ, वो पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं जो खेल रहे हैं इनके साथ। तो ये लोग ट्रैप हो चुके हैं और इसमें से बाहर नहीं निकल सकते, और यही वजह है कि दे विल नॉट बी एबल टू मेक देयर फ्यूचर एनी मोर। नाउ अब देखो विशियस सर्कल में कौन कौन आता है? पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? जो बाबू लोग होते हैं जो सरकारी काम में इन्वॉल्व होते हैं, मिडलमैन जो बिचौलिए हैं, और सारे के सारे पॉलिटिशियंस। विद ऑल हिंडर, हिंडर का मतलब होता है रोक लगाना, ऑब्स्ट्रक्शन, रोक। यही लोग इनकी रास्ते में रोड़ा बने हुए हैं, द वे ऑफ प्रोग्रेस। ये अपनी जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। आप सोचो अपने आप में चूड़ी बनाना भी एक बहुत ही फ्लरिशिंग धंधा है, लेकिन ये चूड़ी बनाने वाले अपनी जिंदगी में बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि ये कर्जे ही नहीं चुका पा रहे अपने पूरे। तो बंधे हैं उसी में ही आगे पता नहीं कितना इन लोगों को अभी और झेलना है। The woman in the household consider it to be their destiny or fate. और जब अनीस जंग मुकेश के घर जाती हैं, वो कहती हैं कि आप लोग क्यों अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते, तो बोलती है अरे क्या करें, हमारे तो किस्मत में ही यही लिखा है, अल्लाह मियां ने हमारे किस्मत में ही हमको ये दिया है। किस्मत को क्यों कोस रहे हो? किस्मत तो हमारे हाथों का कठपुतली है, किस्मत हमारे हाथों से बनती है, हाथों की लकीरों से नहीं। As a result of such thinking, they just follow the established tradition. और ये जो सोच उनके दिमाग में भरी जा रही है, जो उनके पूर्वज भर रहे हैं, बड़े भर रहे हैं, यही सोच उनके बच्चों में आ रही है, और यही वजह है कि आज भी वो कर्जों में डूबे हुए हैं, और आज भी वो उसी रीति को, उसी ढर्रे को अपना रहे हैं कि बाप दादाओं का कर्जा उन्हें चुकाना है, और वो जिंदगी में आगे कुछ नहीं कर सकते। They are nothing. They'll not do anything. There is something different about Mukesh. लेकिन मुकेश ऐसा नहीं है। अनीस जंग खुश है इस बात से, मुकेश ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सपने देखता है, वो इस विशेष सर्कल में ट्रैप नहीं है, उसके सपनों पे कोई रोकथाम नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि वो सपने देख रहा है, उसका एक सपना है, he is dreaming, he wants to become something, and what he wants to become, क्या बनना चाहता है वो? मोटर मैकेनिक। ये सपना उसके अंदर आया कहां से? अनीस जंग इज हैप्पी, उनका दिल गार्डन गार्डन हो रहा है कि चलो इतनी बुरी परिस्थिति में छोटा सा बच्चा सपना तो देख पा रहा है, जहां पे लोग अपने विशेष सर्कल में बंधे हुए हैं, ये बच्चा सपना तो देख रहा है ना। He is not like the rest of the folk there. Folk का मतलब क्या है? पीपल। तो कह रहे हैं वो बाकी लोगों की तरह नहीं है। अनीस जंग कहते हैं मुकेश बढ़िया है, वो सपने देखता है, उसे कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है। क्या करना है देखते हैं। अभी मैंने वैसे बताया आप लोगों को, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हो कि मुकेश क्या करना चाहता है, व्हाट मुकेश वांना बिकम, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। हाय बादल, हाउ आर यू? वाओ टेकिटो, हाय डियर, हाय। सो दिस इज बिकॉज मुकेश हैज बिग ड्रीम्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुकेश अपनी फैमिली से क्यों अलग है, आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे ऐसा इसलिए है क्योंकि मुकेश के बड़े बड़े सपने, बहुत बड़े बड़े सपने। एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा था? अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा करें तो पहले सपने देखें, जब आप सपने देखेंगे तो आप उसे पूरा रखने की चाह भी रखेंगे, पूरा करने की चाह भी रखेंगे, और जब आप पूरा करने की चाह रखेंगे उसको, तो आप उसे पूरा कर भी लेंगे। तो सपनों को पूरा करने से पहले जरूरी है कि आप सपनों को देखें, और मुकेश वो काम कर रहा है। He has a desire to become a motor mechanic. वो फ्यूचर में मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, चूड़ी वाला नहीं। The garage is far away from where he lives. जिस गैरेज में वो ये काम सीख रहा है, वो उसके घर से बहुत दूर है, बहुत दूर। But he has the determination to work. Determination मतलब उसने ये संकल्प लिया हुआ है, उसने ये दृढ़ निश्चय किया हुआ है, उसने ये ठाना हुआ है कि वो जाएगा वहां पर पैदल चल करके और फिर वापस आएगा, लेकिन वो सीखेगा, वो मोटर मैकेनिक जा करके सीखेगा बनना। उसे सब कुछ सीखना है क्योंकि वो बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, उसे कुछ अलग करना है, डिफरेंट। उसकी चाह है, उसका ड्रीम है, उसका सपना है,
एंड ही विल डू, क्योंकि उसके अंदर डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है, उसने कसम खाई है, उसने प्लेज लिया है कि आई विल डू समथिंग इन माई लाइफ, आई विल बिकम अ मोटर मैकेनिक. सो उसके सामने जो सबसे बड़ा सपना है वो यही है मोटर मैकेनिक बनने का. शायद उसने कुछ और देखा होता, उसने लोगों को पढ़ाते हुए देखा होता तो हो सकता है वो टीचर बनने का सपना देखता, उसने कभी प्लेन उड़ते हुए देखे होते तो हो सकता है कि वो पायलट बनना चाहता, राइट? नाउ लुक एट दिस लो स्प्रिंग. अब देखो यहां पर समझ रहे हो ना, दो अलग अलग बच्चे और दोनों की अलग अलग परिस्थितियां बताई गई हैं. एक बच्चे ने कोई सपना नहीं देखा और जब सपना नहीं देखा तो वो किसी चीज में इन्वॉल्व हुआ तो वो उसे बर्डन लग रहा है. वहीं दूसरा बच्चा है जो अपने सपने देख रहा है और उनको पूरा करने के लिए उसने प्लेजेस लिए हुए हैं, डिटर्मिनेशन किया हुआ है. तो लो स्प्रिंग की होल समरी हमें क्या डिफाइन करती है, या हमें ये बताती है कि कितनी बुरी दशा है बच्चों की जो कि गरीबी में जी रहे हैं, राइट? सो दिस इज अ समरी विच गिव्स द एनालिसिस ऑफ द इम्पॉवरिश्ड, मतलब दे आर लिविंग इन अ वेरी बैड सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों में, बहुत खराब परिस्थितियों में रहते हैं ये लोग. कंडीशन फेस्ड बाय मेनी चिल्ड्रन दैट कंडेम देम टू अ लाइफ ऑफ पेन, ऑप्रेशन एंड लैक ऑफ एजुकेशन. तो जिस सिचुएशन में, जिस इम्पावरिश्ड कंडीशन में ये लोग रहते हैं, इसकी वजह से इन छोटे छोटे बच्चों को क्या करना पड़ता है, दर्द से गुजरना पड़ता है. पढ़ाई लिखाई नहीं है इनके पास, इनको दबाया जाता है, कुचला जाता है. जो जो पैसे वाले लोग होते हैं वो इनको ओप्रेस करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, राइट? सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर दी सर्कमस्टांसेस दैट आर बैड एंड दैट आर फेस्ड बाय दी सो मेनी चिल्ड्रन हु आर एक्चुअली वेरी पुअर, तो आप बताएंगे एक्चुअली दे आर सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ पेन, ऑप्रेशन एंड द लैक ऑफ एजुकेशन बिकॉज दे डोंट हैव फ्रीडम इन देयर लाइफ टू डू एनीथिंग एंड दे डू नॉट हैव एनी वन एज अ गाइड जो उनकी मदद कर सके, राइट? सो विद दिस डियर स्टूडेंट्स आई हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन. आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बता दें क्या आपको इतना सब कुछ क्लियर हो गया, इज दिस मच परस्पिकुअस टू ऑल. अगर हाँ तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं सो दैट वी कैन मूव अहेड. हम लोग सेशन को जरूर से जरूर एंड करेंगे, लेकिन अगले सेशन में फिर मिलेंगे. आपकी क्लास 1:30 पे होगी डेली बेसिस पर, रोज. तो इस क्लास को डेली बेसिस पर आप लोगों ने जरूर से जरूर देखना है. मुकेश अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने का ड्रीम देखा है, ऑफ कोर्स, और उसके लिए इससे बेहतर क्या हो सकता था, जो गाड़ियां उसने आसपास आते चलते देखी थी उसे लगता था उसे यही काम करना है, इसी में ही उसको कुछ बेटर मिल पाएगा, राइट? तो अभी जितने सारे बच्चे सेशन को देख रहे हो ना, वो बिल्कुल भी बाइजर्लीनेस मत दिखाओ, कंजूसी मत दिखाओ, सेशन को लाइक करो ताकि सेशन का रीच बढ़े, और रेगुलर रहना क्लास में ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाओ. और जाते जाते मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, है ना, आपको कंपेयर करना है. कंपेयर एंड टेल एंड राइट लिख देती हूं, क्योंकि आप लिखोगे ना कॉमेंट सेक्शन में आंसर करना, whose condition will be better, किसकी कंडीशन ज्यादा बेहतर होने वाली है, मुकेश की या साहिब की? मुकेश और साहिब, आपको उस पर जस्टिफिकेशन भी देना है, ठीक? करोगे आंसर सभी लोग? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो. सो ऑन अ डेली बेसिस और ऑन अ डेली नोट विल बी मीटिंग एवरी डे एट 1:30 to 2:30 ऑन द सेम चैनल एवरी डे, ओके? याद रखिएगा आप लोग, और जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं उसके आंसर्स भी आप लोग करते रहिएगा. डन. सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट आई हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन. बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल. साहिब की कंडीशन कहाँ अच्छी है, वो तो सीधे कहा क्या बन गया, रैक पिकर से क्या बन गया वो चाय के स्टॉल में काम करने वाला, उसने तो सपना देखा ही नहीं ना कुछ बेटर करने का, उसके तो ड्रीम्स ही अलग है, लेकिन मुकेश के ड्रीम्स अलग है. तो सपना कौन दिख रहा है ज्यादा अच्छा कुछ बेटर करने का, मुकेश, ओके? चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है मैम, आप समझ में आ गया, दैट्स रियली वेरी नाइस. बस रेगुलर रहिए क्लास में, इट्स माय प्रॉमिस कि मैं आपको चीज़ों को लर्न करवाऊंगी बहुत अच्छे से.